वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड गाइज, आज बाइक लिए हुए 6 महीना हो गया है एंड आपने जैसे टाइटल पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि आज सेकेंड सर्विस का टाइम आ गया है। सेकेंड सर्विस जो बाइक की होनी थी वो होनी थी 6000 किलोमीटर्स पर या फिर 6 महीने के गैप में। तो 6000 किलोमीटर्स तो मेरी बाइक अभी क्लॉक नहीं हुई है, मेरी बाइक अभी चली है 2100 के आसपास। वो मैं जब हम बाइक चलाएंगे तो मैं आपको तब बताऊंगा ही। एंड अभी 6 महीने हो गए हैं, 20 तारीख को होने वाले हैं, बट मैं 20 तारीख के आसपास थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा 2-4 दिन पहले ही हम लोग कर लें। एंड आज हम जाएंगे सेकंड सर्विस के लिए होंडा बिग विंग। एंड उसके पहले मेरे पास एक पार्सल है जो मैंने आपको 2-3 वीडियो के पहले दिखाया था कि इसको हम बाद में खोलेंगे। तो ये रहा मेरे पास, अमेज़ॉन से मैंने ये मंगवाया था बट इसको अभी तक खोला नहीं है, तो इसको आज खोल लेते हैं आप लोगों के सामने। काफ़ी दिन से ये रखा था, मुझे ये पता ही नहीं है कि मैंने जो ऑर्डर किया था ये सही सलामत ये वही चीज़ आई है या फिर उन्होंने कुछ और दिया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। मैं आप लोगों के सामने ही खोलूँगा। तो काफ़ी टाइम से ये भी डिले हो रहा था, बीच में मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड था तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। तो इसमें से जो गाइस मैंने मंगवाया है, मतलब मैंने जो मंगवाया है वो ये है, ये चेन क्लीन करने के लिए है। इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ फटाफट। जो हम बाइक की चेन क्लीन करेंगे वो इससे क्लीन करेंगे। सो गाइस, जो हमारा दूसरा आइटम है वो है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मोड्यूल का C1 एंड C2। C1 बेसिकली चेन क्लीन करने के काम आता है एंड C2 चेन ल्यूप करने के काम आता है। इसको मुझे इस पर एक वीडियो बनाना था बट वो अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी सर्विसिंग पे जाएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर चेन ल्यूप एंड चेन क्लीन होगा ही, तो इसको हम कभी सेपरेट वीडियोज़ इस पर बनाएंगे, तो इसको मैं रख देता हूँ साइड। सो गाइस, ये थी आज की अनबॉक्सिंग और मैं निकलता हूँ फटाफट होंडा बिग विंग के लिए, सेकेंड सर्विस करवानी है। एंड बाकी जो बातें हम करेंगे अब वो हम करेंगे रास्ते में, तो मिलता हूँ आपसे गाड़ी चलाते हुए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ GoPro की फ्रंट स्क्रीन ऑन रह गई है, वो सेटिंग चेंज करना मैं भूल गया था, तो ये बैटरी अब ज़्यादा कंज्यूम करेगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी है। सो सेकेंड सर्विस के लिए हम लोग जा रहे हैं। जो फर्स्ट सर्विस हम लोगों ने करवाई थी वो हमने करवाई थी 6 मंथ्स पहले, आई थिंक वो हुई थी अगस्त मंथ में, जब मैंने 1000 किलोमीटर क्लॉक किए थे रोड ट्रिप से आने के बाद। एंड इनकी सर्विस में कभी भी कोई शिकायत नहीं होती है, बहुत अच्छे से सर्विस करते हैं ये लोग। देखना आज ये है कि सेकंड सर्विस में क्या क्या होगा। आई एक्सपेक्ट कि ऑयल एंड ऑयल फिल्टर चेंज नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट सर्विस में हुआ था, बट हो सकता है सेकंड में भी हो। सुपर बाइक्स में हो सकता है, सुपर बाइक्स के फंडे थोड़े अलग होते हों तो वो तो जाएंगे तो समझ में आएगा। अगर ऑयल एंड ऑयल फिल्टर अगर चेंज नहीं होता है तो आई थिंक कॉस्टिंग थोड़ी और कम आएगी कंपेयर टू फर्स्ट सर्विस से। एंड देखते हैं क्या क्या सेकेंड सर्विस में कवर होता है। बेसिकली यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, ये श्योर नहीं है कि मेट्रो यहाँ कब तक रेडी हो जाएगी, बस काम चल रहा है और काम चल रहा है आई थिंक 1-2 सालों से। प्रोग्रेस हार्डली 1-2% हुई है, तो भैया यहाँ के काम तो ऐसे ही होते हैं। पर एक बात जो है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, वो ये है कि इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है वो हमारा इंदौर है। देखते हैं कि सेकंड सर्विस की कॉस्ट कितनी आएगी, वो इनवॉइस में आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा कि क्या कॉस्ट निकली है। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं
तो जिन्होंने यार वीडियो को वीडियो देख रहे हैं पर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। ज़बरदस्ती नहीं है बट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और हमारा चैनल फटाफट ग्रो होगा। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ की नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो कंटेंट, आपको लगता है मैं अच्छा बनाता हूँ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम हमारा जो फर्स्ट माइलस्टोन है 1000 सब्सक्राइबर्स का वो कंप्लीट करें। फर्स्ट सर्विस वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है, जिसको बाइक ख़रीदनी है या जिसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि फ़र्स्ट सर्विस में कॉस्ट कितनी आई थी, तो मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो यहाँ पर ऑलरेडी CBR 650R है, सर्विस करवानी है। देख सकते हो आप जैसे बाइक पीछे से बहुत गंदी है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी बाइक ने कितने किलोमीटर्स क्लॉक किए हैं। तो जो टोटल किलोमीटर्स बाइक ने क्लॉक किए हैं वो हैं 2154 किलोमीटर्स अभी तक क्लॉक हुए हैं। फर्स्ट सर्विस के टाइम पे ही मेरी बाइक 1000 किलोमीटर्स चल गई थी, तो 6 मंथ्स के एवरेज के हिसाब से बाइक कम चली है, बट ठीक है कोई बात। चलिए सर मिलता हूँ, थैंक यू। सो गाइस हमारी सेकंड सर्विस हो गई है, अभी हो रहा है 4:51 और मैं जा रहा हूँ घर। सेकंड सर्विस हो गई है, जो उसका अमाउंट है वो मैं आपको घर पे जाके बताऊँगा, इनवॉइस आपसे घर जाके शेयर करूँगा एंड बताऊँगा कि कितना खर्चा आया है सेकंड सर्विस में। एंड सेकंड जो सर्विस थी उसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं होता है,
एंड जैसा मुझे लग रहा था कि इंजन ऑयल शायद चेंज हो शायद ना चेंज हो, तो इंजन ऑयल चेंज हुआ है एंड फिल्टर चेंज नहीं हुआ है। ऑयल चेंज करने के बाद जो बेसिक इंस्पेक्शन होते हैं बाइक में कि सब वायरिंग सब ठीक है, सारी चीज़ें बराबर काम कर रही है, तो सेकंड सर्विस में बेसिकली इतना लोड नहीं होता है। दो चीज़ें ज़्यादा हेक्टिक होती है, एक आपको इंस्पेक्शन करना होता है सारी चीज़ों का एंड दूसरा इंजन ऑयल चेंज होता है, तो दोनों काम हो गया है हमारा। सो गाइस, मैं आ गया हूँ घर और मेरे हाथ में है सर्विस इनवॉइस और ये मैं आपको खोल के बता देता हूँ कि एक्चुअल कॉस्ट सेकंड सर्विस की होंडा CBR 650R की सेकंड सर्विस कॉस्ट कितनी आई है। एंड आपको बता दूँ कि फर्स्ट सर्विस की जो कॉस्ट आई थी वो 2700-2800 के आसपास कुछ आई थी एंड सेकंड सर्विस की कॉस्ट आप बिलीव नहीं करोगे, जो सेकंड सर्विस की कॉस्ट आई है वो है 1930 रुपये। सो दिस इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव बट ठीक है, सुपर बाइक की सर्विस इतना आना थोड़ा मुश्किल है विश्वास करना, बट ठीक है होंडा है तो मुमकिन है ये आप बोल सकते हो। सो ऑन अ गुड नोट वीडियो को करते हैं क्लोज। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ रोहित।